खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां डीजीपी अभिनव कुमार ने नानकमत्ता के डेरा का सेवा पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और सेवादारों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि नानकमत्ता डेरा का सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की दो बाइक सवार हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते डीजीपी अभिनव कुमार शुक्रवार को नानकमत्ता डेरा का सेवा में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 2 मुख्य आरोपी जिन्होंने गोली मारकर डेरा प्रमुख की हत्या की थी, इनकी पहचान सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की है और इसके तहत ही डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जल्द से जल्द मामले के खुलासे की बात कही है। नानकमत्ता से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले देहरादून से यहाँ आया था और इसके पीछे 2-3 मेन मेरे पर्पस थे। एक तो जो ये कल घटना हुई है, बड़ी सनसनीखेज हत्या जो बाबा जी की हुई थी सुबह 6:15 के आसपास, तो एक तो उसका घटनास्थल का देखना था, खुद फर्स्ट हैंड समझना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। साथ ही साथ यहाँ जो डेरा है, जो संगत के लोग जहाँ आए हुए हैं, उनके साथ मिलके अपनी तरफ से भी अफसोस जताना था, हमदर्दी जतानी थी और उनको ये विश्वास दिलाना था कि ये बहुत बड़ी घटना है, हम सब के लिए बड़े दुख की घटना है, बड़े चिंता की घटना है और जो संगत के मन में गुस्सा है, नाराज़गी है, मैं समझता हूँ थोड़ा भय भी होगा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, तो उसको भी बांटने भी आया था और उसको दूर करने भी आया था कि भाई आप परेशान ना हो। और हमारी, मैं समझता हूँ, उत्तराखंड पुलिस के जो सबसे एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं, सबसे एक्सपीरियंस एसटीएफ में भी और यहाँ उधम सिंह नगर ज़िले में कुमाऊँ रेंज के भी जो लोग हैं, वो हमने अपनी एसआईटी में लगाए हैं,